उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर के महीने में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। इसको लेकर की सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट की आयोजन किया गया था। हरीश रावत ने कहा है कि हमारी सड़कों को सुधार दो, गड्ढा मुक्त कर दो, हमको 24 घंटे बिजली दे दो, लंदन से देहरादून तक रोपवे का हम क्या करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, पहली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट ने हमारी जमीनें छीन ली हमसे। उत्तराखंड के गांव-गांव में इन्वेस्टमेंट आया, हमारी ज़मीनें बिक गई और बंत्रा जैसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं जिनमें हमारी संस्कृति भी खतरे में पड़ रही है। अब जितनी बची सकची है ये दूसरे समिट के बाद, हे भगवान उसको बचा देना, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं तो आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी हाथ जोड़ करके रहिए कि पहली में जितनी बच गई है हमारी ज़मीन और हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, ये दूसरे समिट के बाद जो है उतनी बच